अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धड़क सुबह के सारे रंग हमारे संग। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं, खुशबाश हैं, मज़े में हैं। व्यूअर्स, एक छोटी सी नज़म जो है वो मेरे दिल को बहुत लगी। कल आपको पता है फादर्स डे था और हम सब ने सेलिब्रेट किया, हम सब ने अपने फादर्स को ट्रिब्यूट दिया। किसी ने कपकेक्स दिए तो किसी ने फादर्स का तस्वीरें खिंचवाईं, पूरा सोशल मीडिया ऐसे गहमा गहमी मची हुई थी कि आज हमारे वालिद का दिन है। हमने बताया कि हमारे वालिद भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगियों की जितनी हमारी माएँ मदर्स डे पे हम लोग सब करते हैं। तो नज़म जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अजीज़ तर मुझे रखता है वो रगे जाँ से, ये बात सच है कि मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। वो माँ के कहने पर कुछ रोब मुझ पर रखता है, यही वजह है कि वो मुझे चूमते हुए झिझकता है। वो आशना मेरे हर कर्ब से रहा हमदम, जो खिल के रो नहीं पाया, जो खुल के रो नहीं पाया सिसकता है। जुड़ी है इसकी हर एक हाँ मेरी हाँ से, ये बात सच है कि मेरा बाप कम नहीं था मेरी माँ से। ये एक छोटी सी लाइन्स, इसने ना मेरे दिल को, कहते ना कि एक दिल छू लिया कि मेरा बाप मेरी माँ से कम नहीं। मेरा बाप जो है वो भी जन्नत का दरवाज़ा है। अगर मेरी माँ जन्नत है तो मेरा बाप मेरी जन्नत का दरवाज़ा है। हम लोग अक्सर जो है कभी ना कभी कुछ ना कुछ समटाइम्स भूल जाते हैं, समटाइम्स हम उतना उनको वो कहते हैं ना इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि वो सारा दिन हर वक्त घर से बाहर होता है, हमारे लिए बेहद कमा कमा के लाता है। और आज जिस जगह पर हम होते हैं वो उनकी बदौलत होते हैं। माओं का एक अपनी जगह है, माओं का अपना एक रोल है, मगर बाप का एक बहुत ही मुख्तसर, बहुत ही प्यारा और बहुत ही मुनफरद रोल है। व्यूअर्स, आज फादर्स डे है और हमारी तरह हमारे सेट से आज हम फादर्स को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। वो लेजेंड फादर्स जिन्होंने पाकिस्तान में अपना नाम कमाया, चाहे वो लॉलीवुड हो, चाहे वो ड्रामा इंडस्ट्री हो। तो आज हम अपने सेट से फादर्स डे को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। व्यूअर्स, अगर हम फादर्स की बात करें तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में भी बहुत से अच्छे और बहुत से नामवर बापों ने अपने बेटों के साथ काम किया है और वो लिविंग लेजेंड्स हैं। जहां बाप ने नाम रोशन किया, वहां आप उनकी नस्ल उनके बेटे चला रहे हैं। तो हम बात करते हैं उन्हीं कुछ लेजेंड्स की। जैसे हम बात करते हैं बहरोज़ सब्ज़वारी और शिरोज़ सब्ज़वारी की, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दोनों ने इकट्ठे प्लेज में भी काम किया है। आप उनको मूवीज़ में भी देख रहे हैं, आप उनको कहीं ना कहीं मज़ेदार किस्म की सोशल वीडियोस बनाते हुए भी देखते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग में है और बहुत एक इम्पैक्ट रखते हैं इंडस्ट्री के अंदर। और उनके छोटे छोटे चुटकुले, और हमेशा से इनके अंदर बहुत दोस्ती हमने देखी है, बहुत एक प्यारा सा रिश्ता देखा है। और व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं जावेद शेख साहब की और शहजाद शेख की। दोनों बाप बेटा अक्सर आपको फिल्म्स में भी नज़र आए हैं और एक बड़ी क्यूट सी फैमिली है, कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत पाकिस्तान को उन्होंने बहुत काम दिया है, बहुत नाम दिया पाकिस्तान में। अगर हम बात करें लॉलीवुड की, अगर हम बात करें पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की, तो दोनों ने मिल बैठ के कहते ना कि नाम रोशन किया है। और आज भी एक कहते ना एक जो रेस है, एक लेगेसी है, वो एक फैमिली लेकर आ रही है। और तो ये जो चीज़ें हैं ना, बाप बेटे का रिश्ता एक बड़ा एक डिफरेंट सा रिश्ता होता है। अक्सर ये होता है कि बाप बेटे की वजह से पहचाना जाता है, अक्सर ये होता है कि बेटा बाप की वजह से पहचाना जाता है। और कभी कभी एक, वैसे एक मेरी बात मैं आपको यहाँ करना चाहती हूँ, हम अगर नेपोटिज्म पे बात करते हैं तो जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन वो कभी कहते हैं ना ब्रूटल नहीं होती, स्क्रीन कभी झूठ नहीं बोल सकती। रिश्ता अलग, मगर जो काम होता है ना, काम आपका सर आता है। कोई ऐसा नहीं होता कि बाप ने बेटे को आगे करे और कहे जी भाई मैंने इतना काम किया है तो भाई तुम मेरी लेगेसी लेके स्क्रीन पे चलो, अनटिल अनलेस वो मेरिट पे ना उतरे। हमने अपनी इंडस्ट्री में हमेशा यही देखा है कि जो लोग मेरिट पे उतरे हैं, जिन लोगों ने वाकई अपनी लेगेसी आगे चलाई है, अपने फादर से कुछ विजडम लिया है, कुछ नॉलेज ली है, वो ही आगे आए हैं। और मैरिज टू डीमैरिज जो होते हैं वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, तो चलते रहते हैं। और भी हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी लेगेसी आगे चली है, जिनके ख़ानदान के ख़ानदान फील्ड्स में आगे आए हैं। अच्छा, ये हमेशा से नोशन दिया जाता है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो, एक्टर का बेटा एक्टर हो, बट एक्टर इज़ लाइक अ बॉर्न थिंग। एक्टर का बेटा एक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ें, वो जो सारा करिश्मा है, वो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, वो ऐसी चीज़ें, वो एक जो कहते ना कि नोशन, एक अपने कैरेक्टर के अंदर अपने जो ऑडियंस को कहते ना महसूस करना, एक एंटरटेन करना,
वो एक डिफरेंट सा एक कहते ना कि करिश्मा होता है जो कि हर लेगेसी में फॉलो नहीं होता। वही लोग फॉलो करते हैं जिनके अंदर कुछ इनबॉर्न टैलेंट हो और जिन्होंने कोई एक्सट्रैक्शन की हो अपने फादर से। इसके साथ अगर हम बात करें इरफान खुसट साहब की और सरमद खुसट की, तो दोनों यू नो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विजडम नॉलेजेबल एंड वर्किंग इन द इंडस्ट्री सिंस एजेस, तो वो भी एक बहुत बड़ा नाम है और वो अपनी लेगेसी लेके चल रहे हैं। सरमद खुसट साहब तो आपको पता है ना कि कभी वो मंटू बन जाते हैं, कभी वो डायरेक्शन में आ जाते हैं, कभी वो प्रोडक्शंस में आ जाते हैं, कभी वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे ही इज़ लाइक यू नो वर्सेटैलिटी उनके अंदर है, चाइल्ड स्टार रहे हुए हैं। तो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट द लेगेसी, दिस इज़ हाउ यू क्रिएट द करिश्मा। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें आसिफ रज़ा मीर साहब की और आहद रज़ा मीर की, तो दोनों जो हैं बाप बेटा बेहतरीन काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो प्रोडक्शन और डायरेक्टर का बेटा है, मगर आप उनके कहते ना कि कैरेक्टर के ऊपर या आप उनके जो वो परफॉर्म करते हैं, जो वो एक अपने एक लेगेसी लेके चल रहे हैं, आप उस पर कोई दो राय नहीं है कि वो अपनी मेहनत से और अपनी मेरिट से स्क्रीन के ऊपर छाए हुए हैं। और ऑल्दो हाँ सपोर्ट मिलती है, लाइक ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सपोर्ट ना मिले या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको फादर से ये हो सकता है छोटी छोटी बातें आप बैठ कर सकते हो कि अब्बा जी मैं ये करना चाह रहा हूँ या मैं ये करना चाह रहा हूँ तो आप मुझे इसमें हेल्प करें, आपने तो इतनी देर फिल्म्स के ऊपर छाए रहे हैं, आप इतनी देर इंडस्ट्री पर छाए रहे हैं, आपने इसमें ये काम किया। तो कोई भी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम ना वो कहते हैं ना ऑब्सोलीट नहीं होती, हर बार ऐसा लगता है कि आज नया दिन है, वही चीजें वापस आती हैं, एक कैरेक्टर में ढलना, एक कहते ना कि एक आपस में बैठकर मिलजुल गठ जोड़ करके आपस में कोई कहते ना कि ओपिनियन बेस करना। और बड़े आपके जो फादर्स हैं, हमारे जो बाप हैं, हम अल्लाह मियां उनको सलामत रखे, तो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी ज़िंदगियों में, क्योंकि छोटी ज़िंदगी के कहीं कहीं मौक़ों पे वो ऐसी टिप्स हमें देते हैं जो कि वाकई बहुत मुफीद होती है। स्क्रीन पे आप चले देख सकते हैं कि अहद रज़ा मीर और उनकी फैमिली जो है हम दिखा सकते हैं, और आसिफ रज़ा मीर और अहद रज़ा मीर और उनकी मदर, उनका एक बेटा और है, लेकिन ये है कि फैमिली की जो लेगेसी है वो अहद लेके आगे चल रहे हैं। अहद ने बहुत अच्छे ड्रामास दिए हैं इंडस्ट्री को और अभी भी काम कर रहे हैं। रिसेंटली उनका एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ में देख रही थी, ही वॉज यू नो कमिंग इन द हॉलीवुड एज वेल। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर ऑल द पेरेंट्स हु हैव वर्कड इन द इंडस्ट्री सिंस एजेस। और वही वाली बात है ना कि आज हम फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम आपको आज एक ऐसे फादर सन से मिलवाएंगे जो कि हमेशा से एक दोस्त हमने देखे हैं और पर्सनालिटी वाइज दोनों एक जैसे लगते हैं और बाप बेटा दोनों काम कर रहे हैं और अभी भी इतने सालों बाद इंडस्ट्री को 50 साल देने के बाद भी स्टिल ही इज़ वर्किंग। और रिसेंटली एक हमारा प्रोजेक्ट A+ का आ रहा है, एक हाथ मेहंदी, उसमें भी वो आ रहे हैं। और उससे पहले मैं अभी सरप्राइज रिवील नहीं करूँगी कि वो बाप बेटा कौन है, और आज उनके ऊपर जो पिक्चराइज गाने हैं उन पे गाने के लिए हमारे साथ जो हैं वो हैं खालिद बेग साहब, जो कि अमेरिका से आए हैं और मैं उनको इनवाइट करती हूँ। वेलकम खालिद बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप बिल्कुल ठीक ठाक, वही पर्सनालिटी, वही रंग ढंग, वही कहते ना कि शशके, आज भी खालिद बेग साहब आप की वही और आवाज़ का जादू, वही ऐसा लगता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब आपकी आवाज़ में आ जाते हैं जी। कैसा लग रहा है पाकिस्तान आके? अगर बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके, तो जहरी बात है अपना मुल्क है, अपना देश है और यहाँ के लोगों से मिल के, और यहाँ जब भी आते हैं फिर सब लोगों से मुलाकातें तो होती हैं, बस आधा वक्त यहाँ गुजर जाता है और आधा वक्त बाहर गुजर जाता है। तो लाहौर आके कैसा लगता है और रहते आप परदेश में हैं? तो आपको पता ना कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो तो फिर कहते हैं कि जम्मू ही नहीं है। तो लाहौर तो आपको पता है हमारा दिल है ना ये, बल्कि मैं ये कहूँगा कि लाहौर पाकिस्तान का पूरी दुनिया का ही दिल है ये, कि जिसने वो लाहौर नहीं देखा या लाहौर नहीं आया वो पैदा ही नहीं हुआ। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या सबसे अच्छी चीज़ लगती है लाहौर आके? लाहौर आके यहाँ पे खाने, आबो हवा, वो दरख्त, वो रोड जिनके ऊपर हम चलते हैं। मैं अभी उधर था, अपना बॉम्बे में था, तो मेरी मुझे याद है मुझे प्राण साहब से मेरी मुलाकात हुई तो कहने लगे मुझे कि यार कौन कम वक्त, अगर ये पाकिस्तान ना बनता, ये लफ्ज थे उनके, कौन कम वक्त लाहौर के अनारकली और माल रोड को छोड़ के यहाँ पे आता। वाह वाह। तो लाहौर को जो लाहौर में एक दफ़ा आ जाता है, आप कहीं देखिए हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं और भी बहुत सारे लोग, जो भी लाहौर में आता है वो फिर वापस नहीं जाता। इसकी लाहौर की जो मिट्टी है, इसकी जो एक खुशबू है,
वो फिर कहीं और नहीं मिलते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज आप स्पेशल ट्रिब्यूट दे रहे हैं और हम अभी सरप्राइज भी नहीं करेंगे, ट्रिब्यूट आप किसको दे रहे हैं और किसकी? ये देखिए कि मैं उनका बचपन से फैन हूँ। अच्छा। और मैं, मुझे याद है कि मैं गया चाइना में, ठीक है, चाइना में मैंने देखा को एक जगह मैं घूम रहा हूँ तो वहाँ देखा कि उनका एक स्टैचू लगा हुआ है। बिल्कुल, मैंने मुजस्मा उनका लगा हुआ और मैं बड़ा हैरान परेशान हुआ। मैंने कहा यहाँ पे, उन्होंने कहा कि जी इनकी ये फिल्म तकरीबन 20 से 25 साल यहाँ पे ये फिल्म चली है रेगुलर। रिवील कर दिया है तो मेरा नाम है मोहब्बत का, जब नाम आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पता न लगे कि आज फादर और सन कौन है हमारे साथ और उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं खालिद बेग साहब और उनके गाने गाएंगे और हम उनसे कुछ चटपटी सी बातें करेंगे और पूछेंगे कि वो क्या कर रहे थे, कहाँ हैं, क्या हो रहा है, उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। व्यूअर्स, लेनी है छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ रहें, स्टे ट्यून विद अस, गुड मॉर्निंग धड़क। बिखर जाने को जी चाहता है तेरे कदमों में, बिखर जाने को जी चाहता है आज तो प्यार में, आज तो प्यार में मर जाने को जी चाहता है तेरे कदमों में, बिखर आपने तो कहते ना नॉस्टैल्जिया याद दिला दी, तो व्यूअर्स आपने गाना सुना और आपको पता लग गया होगा कि हमारे सेट पे गुलाम मईउद्दीन साहब और अली मईउद्दीन साहब फादर सन जो हैं वो आज मौजूद हैं और आज हम फादर्स डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और तो ये कल था मगर हमने सोचा कि हमने सेट्स पे सेलिब्रेट करें आज आप लोगों के साथ। कैसे आप लोग? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। आपका शुक्रिया, आपने एक अच्छे प्रोग्राम में बुलाया। आप
के प्रोग्राम में मैं पहली दफा आया जी। बिल्कुल, बिल्कुल। पहली दफा आप होस्ट करें इस जी, बिल्कुल सर। तो अच्छा लगा मुझे, खुशी सर। 400 से ज़ायद फिल्म्स एज अ हीरो, इतना काम और इतनी इंडस्ट्री में छाए रहना कितने साल, और ऑल्दो लाइक 45 to 50 years ऑलमोस्ट, और स्टिल यू आर वर्किंग। और स्टिल अगर मैं देखती हूँ, क्योंकि सर मेरे मोहल्लेदार भी हैं, तो सर ऐसे जॉगिंग कर रहे होते, वॉक कर रहे होते, इतनी स्पीड को पकड़ना इतना मुश्किल है कि हम लोग वो एंड पे रहते हैं और सर वहां तक पहुंच जाते हैं। सर क्या राज है पीछे? देखें, काम आप कोई भी करें ना, आपकी फिजिकल फिटनेस जो बड़ी जरूरी है। अब मेरा जो काम है वो फिजिकली है, मेंटली बहुत। मेंटली इसलिए कि आपको डायलॉग्स याद करने होते हैं, जब गाने आते थे बहुत ज़्यादा, फिर गानों को याद करना, उससे सिंक्रोनाइज भी करना, टाइम कम होता था, घंटों के हिसाब से काम होता, या एक्शन होता था उसमें, फिर आपको पहाड़ियों पर भागना भी है, हॉर्स राइडिंग भी करनी है, ब्लास्टिंग भी करनी है। अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैंने मूवीज़ में आने से पहले एक्शन सीखा था। अच्छा। यस, मैंने 99% ओरिजिनल किया हमेशा। अच्छा। मतलब जिनको मेरे स्टंट मैन ने मना किया, नहीं जी मैं नहीं कर सकता, मैं क्या मैं कराऊंगा, हट जा पीछे, तो कैसे करोगे, मैंने करता हूँ, मैं दिखाता हूँ। अच्छा। मैं तुमको ये भी मैंने किया है सारी मूवीज में, अगर आप कभी देखें। बिल्कुल है। हाँ, आतिश मेरी फिल्म में, हाँ उसमें एक ट्रेन की फाइट है वो आप देखें। तो उसके लिए आपको फिजिकल फिटनेस रखनी पड़ती है, आपका स्टेमिना सही होना चाहिए, आपकी फिटनेस सही होनी चाहिए, फिर आपको काम में आसानी होती है। इसीलिए स्टिल मैं मेंटेन करता हूँ, जिम भी करता हूँ, वॉक भी करता हूँ, काम भी करता हूँ, अरे काम करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही, और आपको देखा भी है, और माशाल्लाह अभी तक आप काम कर रहे हैं। और अली जो हैं वो आपके अकलौते बेटे हैं, और माशाल्लाह दो बहनें हैं साथ में। बिल्कुल फैमिली के बारे में थोड़ा सा इसलिए अंदाज़ा है क्योंकि ऑब्वियसली नेबरहुड है, आप लोग सारे हमारे साथ ही होते हैं। तो सर अली स्पॉइल्ड चाइल्ड तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। अब आपने अली के सामने पूछा तो मैं क्या जवाब दूं आपको? इस तरह के जवाब वैसे वालदैन के पास नहीं होते हैं। वो कहते हैं ना अकलौता जो होता है थोड़ा सा वो होता है ना कि थोड़ा सा स्पॉइल्ड होता है, क्योंकि इतना पैम्परिंग मिल रही होती है एक ही बेटे को। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं रहा। नहीं नहीं नहीं, बड़ा एक हमेशा से लाइफ में एक डिसिप्लिन एक रही है थ्रू आउट स्कूल लाइफ, बड़े होते हुए और सारा, कभी एक उस तरह की एक वो वाइब नहीं थी कि अच्छा आई एम अ स्टार सन, और यू नो कि वो एक चीज़ आए कि मैं अपने आप को कोई चीज़ समझूं। तो इट वाज अ वेरी नॉर्मल चाइल्डहुड, और कभी उस तरह का एक वो वाइब आई नहीं कि मैं इकलौता हूं तो मैं अपनी मन मर्जी करूँगा या यू नो। तो इट्स ऑलवेज बिन लाइक अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप, जहाँ पे कहीं एक इस तरह की कोई टाइम कभी आया कि अच्छा मैं, आपस में हाँ वो बचपन से दोस्त होते हैं ना, कि सर की आवाज़ जो है वो वैसे ही माशाल्लाह इतनी है ना, क्योंकि कुछ लोग अपनी आवाज़ से भी पहचान जाते हैं, सर अपनी आवाज़ से पहचाने जाते हैं, तो वो ये कहने आवाज़ की वजह से ऐसा नहीं होता कि बंदा डर जाए, अब्बू की आवाज़ आ रही है भाई, अब्बू ने कुछ कह दिया तो बंदा डर के बैठ जाए। नहीं, असल में मैंने बचपन से ही आवाज़ सुनी हुई है और इस आवाज़ में मैंने रोब से ज़्यादा हमेशा वो प्यार मोहब्बत और शफकत मिली है, तो कभी उस तरह से वो डर आया नहीं मुझे। बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो ये आवाज़ सुनते हैं तो एक दिल को एक तसल्ली रहती है, एक सुकून इत्मीनान रहता है कि चलो हमारे साथ हमारे बड़े हैं जी, हमारे दोस्त हैं। मैं तो यही कहूँगा, बल्कि कभी कभी मैं अब्बा से बात करते हुए अक्सर इनको गुल्लू भाई कह के भी मुखातिब कर देता हूँ। अच्छा, तो हमारी उस लेवल की दोस्त जी। नहीं, फिर ये जब छोटा था ये एजुकेशन के लिए इंग्लैंड चला गया था जी, बल्कि उससे भी छोटा था 12-13 साल का। अच्छा। मेरी इसकी रेसलिंग होती थी बड़ी। अच्छा। बड़ी जबरदस्त रेसलिंग होती थी, बॉक्सिंग होती थी, सारा कुछ होता था। तो डिग्री तो आपकी फिल्म्स में नहीं है? नहीं जी, मेरी बिजनेस एंड फाइनेंस में है। इंटायरली डिफरेंट बॉल गेम। बट ये था कि जब वो टाइम आया कि अच्छा क्या पढ़ना है और सारा, तो उस वक्त पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली इट वाज नेक्स्ट टू जीरो, कोई मूवीज बन नहीं रही थी, वो टाइम फ्रेम एक बीच में उस तरह का एक आया था। तो उस वक्त मैंने बात की थी अब्बा से कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, बट एक था कि यार यू नो यू शुड हैव अ बैकअप प्लान और सारी चीज़ें जो एक होती हैं। अब्बा जी ने नहीं कहा कि बेटा मेरी लेगेसी आगे लेके चलनी है, तुमने एक्टिंग करनी है। कुछ लोग होते हैं ना कि वो डॉक्टर के बेटा कहते हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर वाले कहते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर बने। नहीं, अली को तो मैंने फ्री हैंड दिया हुआ था, डू व्हाटएवर यू वांट, डू व्हाटएवर, कभी मैंने कहा ये करो ये ऐसा नहीं, करो जो चाहे वो करो, लेकिन जो भी काम करो सिंसियरिटी के साथ करो। ठीक है,
बस चोरी डाके के अलावा सिंसेरिटी से। तो अभी क्या आप लेगेसी लेके चलेंगे या अभी तो आपने एक मूवी भी की है माशाल्लाह से, तो अभी क्या इरादे हैं आपके? इरादे यही हैं कि जी इंशाल्लाह आगे लेगेसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे लेके चलेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी करनी है, बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, बहुत सारी उनके ऊपर काम भी हो रहा है, तो इंशाल्लाह वी विल बी टेकिंग फॉरवर्ड दिस लेगेसी। यस, देखिए ना शोबिज़ का जो काम है ना, इसके लिए ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट ठीक हो मुल्क का। अब गुज़िश्ता एक दो साल से जो क्राइसिस चल रहे हैं हमारे मुल्क में, इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो ये सारी चीज़ें बड़ा सफ़र करती हैं, क्योंकि लोग बाहर निकलना चाहते हैं, ख़ास तौर पर फिल्म इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री जो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन था लोगों के लिए। आपको पता है तकरीबन जब मैं आया हूँ इंडस्ट्री में 1975, उस वक्त से लेके आज तक तकरीबन 450 सिनेमा हाउसेज जो वो डिमोलिश हो चुके हैं, टूट चुके हैं। ऐसा ही है। अब वहाँ मैरिज हॉल बन गए, वहाँ कुछ और बन गया है, अब वो इंटरटेनमेंट नहीं है लोगों के पास। अब जो नए सिनेमा हाउसेज बने, जो डिजिटल सिनेमाज हैं, वो हर आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। नहीं है। बिल्कुल काम कम होता गया। हाँ, तो वो जो एक ऑल ओवर जो एक फिजिबिलिटी होती है ना, वो डिस्टर्ब हुई हुई है। जो एक्टर्स बनना भी चाहते थे, हाँ, वो भी नहीं बन पा रहे। बहुत नया टैलेंट बहुत आया हमारे पास, लेकिन आपके पास आगे ग्राउंड नहीं है, काम करने के लिए मौके नहीं आपके पास। सर अभी हमने एक बड़े मजेदार से मैंने आपसे सवाल पूछना है, लेकिन हमें जाने छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की तरफ। व्यूअर्स स्टे ट्यून्ड विद अस, गुड मॉर्निंग थरक। लबों पे सजेगी।
वाओ अमेजिंग। खालिद बेग साहब एक लिविंग लेजेंड के सामने उन्हीं के गाने गाना कैसा लग रहा है? मुझे तो यकीन जानिए कि पहले ही इनसे बड़ी मोहब्बत थी और फिर बाद में जब भी मैं अमेरिका किसी जगह भी जाता हूँ इनका जिक्र जरूर होता है। अच्छा। और हमारे एक दोस्त हैं, हमारे कमाई दोस्त हैं लियाकत साहब, प्रमोटर भी हैं अमेरिका में, तो इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। बल्कि वो ये कहते हैं कि ये जो मैंने घर लिया है तो मुझे गुलू भाई ने कहा था कि यही घर लेना है और कोई नहीं लेना इस सोसाइटी में। वो रहते मियामी अमेरिका में। अच्छा। और जब भी मैं जाता हूँ बच्चों के पास, चाहे मैं ह्यूस्टन हो, न्यूयॉर्क में कहीं हो, कॉल में उनको करता हूँ, आप मुझसे मिले बगैर टिकट मुझे भेजते हैं वो। अच्छा। बड़े अच्छे होटल में ठहराते मुझे। अच्छा। वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। इनके तो खैर माशाल्लाह बेटियां भी दोनों अमेरिका में ही हैं। हाँ, दोनों में। और उनका ब्रांड भी बहुत अच्छा चल रहा है। जी जी। ओ यस। हाँ, ओ ब्रांड उनका बहुत अच्छा चल रहा है। मैं उनको कहता हूँ डैन है, ह्यूस्टन की डैन है। अच्छा। एंड मरियम बिल्कुल मशहूर, ऐसा चला है उन्होंने ब्रांड अपना रिवाज। अच्छा सर, एक चले किचन में चलते हैं, साथ साथ थोड़ी सी आपसे बातें भी करते हैं किचन में। हमारे जो एक शेफ है ना, बड़े जबरदस्त शेफ है, उनके जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो जो खानों की, उसके लिए लुगत चाहिए होती है। अच्छा। तो सर आ जाएं, आ जाएं। ओके। अच्छा सर, ऐसा एक मजेदार किस्म की मैं बात, आपने ऐसी ऐसी माशाल्लाह एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, अपने से बड़ी भी, अपने से छोटी भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये हुआ सर, तो मजा किसके साथ आया, अपने से बड़ी के साथ या अपने से छोटी के साथ? नहीं, उनसे तो डर ही लगता, अदब एहतराम करो उनके साथ। शबनम भाभी थी, रानी बेगम थी, वो सारी। लेकिन वो खुद ही मुझे, फिर चूंकि हर आदमी जरा, मेरी तरबियत ऐसी है कि अपने जो सीनियर्स हैं उनका अदब एहतराम, जूनियर्स का भी होता है, उनसे फ्रैंकनेस हो जाती है। जैसे बाबरा थी, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और किचन में आपको बुलाया है, ऑलरेडी सर को किचन से थोड़ा कम लगाव है, इतना लगाव नहीं है थोड़ा बहुत है मुझे इतना, हाँ, ऐसा वो नहीं है कि मैं कोई प्रॉपर कुकिंग कर सकूं। मुस्तफा इज देयर विद अस सर। मुस्तफा मेक्स, अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा, यू मेक अमेजिंग डिशेस। लास्ट वाली डिश जो है अभी तक भूली नहीं जा रही, भुलाई भी नहीं जा रही, तो आप आज क्या बना रहे हैं? आज जो है हम एक मिडल ईस्टर्न ब्रेकफास्ट डिश है, शक्शुका। शक्शुका जी। okay. वो हम बनाएंगे। okay. वो उसका जो है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके सामने बेसिकली। मैंने कहा था ना कि इसकी डिशेस ऐसी जिसमें लुगत चाहिए। हमने डिक्शनरी देखनी पड़ती कि इसका मतलब क्या है। okay, तो इसमें इंग्रेडिएंट्स बताएं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स जो है, जो इसका बेस होता है वो टमेटोज और शिमला मिर्च का होता है। ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा सा जीरा जाएगा, और जो है जब ये बेस इसका तैयार हो जाएगा तो इसके अंदर हम लोग एग्स जो है ये क्रैक करके इसको कवर करके कुक कर देंगे। और फिर दिस विल बी रेडी टू सर्व। आप बनाना शुरू करें, हम आपको देख रहे हैं। आपकी वजह से हर डिश में टोमेटोज बहुत ज्यादा होते हैं, व्हाई इज दैट? अच्छा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस ये एक कोइंसिडेंस ही हुआ। कोइंसिडेंटली ये ऐसा हुआ है। तो हम स्टार्ट करेंगे थोड़े से क्यूमिन के साथ। ठीक है, इसको थोड़ा सा ड्राई टोस्ट करेंगे। ठीक है। सर अमेरिका माशाल्लाह घूमते फिरते रहते हैं? नहीं, काम से जाते हैं, घूमते फिरते नहीं भाई, लोग बता रहे हैं, हमें टेंशन नहीं थी, काम घूमते रहते हैं, अरे घूमते फिरते रहते हैं, हम घूमते रहते हैं, और ये करते हैं। तो आप जो है कुकिंग वगैरह थोड़ी बहुत खुद कर लेते हैं वहाँ जाके कि नहीं बाहर से खाते हैं? नहीं, जो फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, वो भी डिनर वगैरह पे बुला लेती हैं, या अगर कोई ना लिफ्ट करा तो वो खुद ही जाके खाते हैं बाहर से भी, ये भी होता है। अली कैसे, अली अली को शौक है किचन में? अली शौक तो खैर आशीष मैं नहीं कहूंगा, बट जब इंग्लैंड में गया था पढ़ने के लिए उस वक्त फिर वो मजबूरी थी, और फिर वो मजबूरी के अंदर करते 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 तो नहीं मंगवाए थे, टिन करके वो भेज दें अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं, शुरू शुरू में सारा कुछ किया, बिल्कुल बिल्कुल शुरू में सब कुछ किया, अभी भी हूं, बट उसके बाद फिर करते करते थोड़ा बहुत सीख गए। अब मुझे इस तरह लगता है कि मैं बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ, और मेरी बेगम, मेरी वालदा इस चीज की गवाही देंगे। माशाल्लाह वालदा भी आपकी इसी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं, बट थोड़ा काम किया सर ने उनको फौरन कह दिया बस अब एक सीरियल लिया। नहीं, मैंने नहीं कहा, उन्होंने खुद ही छोड़ दिया, उन्होंने खुद ही छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि बस अब मैंने नहीं काम करना। हां, उन्होंने कहा नहीं, ना मैंने कहा छोड़ दो, उन्होंने एक सीरियल किया वो खुदा की बस्ती, उसके बाद नहीं। ये तो प्यार है सर। आप भी बड़ी सुना अच्छी कुकिंग करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता। अच्छा। वो एक्चुअली बात ये है कि मुझे याद है कि जब भी मैंने बाहर जाना तो मेरी वालदा ने अपने हाथ से वो पोटे की सेवइयां होती है ना, वो मुझे बना के देनी। उसमें इसको तो आता तो है कुछ नहीं। अच्छा। और उन्होंने मुझे वो बना के देनी, और फिर मैंने वहाँ जाके, और क्योंकि मेरी जॉब थी पीआईए में, तो फिर मैं जब भी कहीं बाहर जाना, बाहर के खाने भी नहीं ये खाता,
तो उन्होंने मुझे वो बना के देनी और मैंने दूध में डाल के तो वो सुबह सुबह वो खा लेनी। अच्छा। और बड़े अरसे तक जब तक वो हयात रही आप खाते तो, रहे तब तक वो खाते रहे उनके हाथों की। अच्छा। हाँ जी, तो अब जो हमारी शरीके हयात हैं अब उनके हाथ की खा लेते हैं। सर आप माशा भाभी जो है वो क्या अच्छा बनाती है? वो तकरीबन सारे खाने अच्छे बनाते हैं। हाँ सारे, कोरमा बहुत अच्छा बनाती हूँ। मैं कभी अक्सर उनसे कहता हूँ, मैंने कह रहा हूँ खुशबू वाला कोरमा बनवाओ। आपकी फेवरेट डिश का मतलब ही कोरमा ही है फिर? कोरमा है। कोरमा रहेगी आपकी? मैं सब कुछ खा लेता हूँ जी वैसे, बट पाकिस्तानियों की आई गेस बिरयानी एक ऐसी चीज है जो बिरयानी वैसे हम लाहौरियों को कम ही बनानी आती है, कराची वालों को ज्यादा आती है। वहाँ की बिरयानी कराची में एक्चुअली पता है क्या, बिरयानी की वैरायटी बहुत है। सिंधी बिरयानी मिलेगी, बॉम्बे की बिरयानी, हैदराबाद दखन की बिरयानी, और सबका टेस्ट डिफरेंट होगा। कराची का भी सफर पूछूंगी, व्यूअर्स लेनी है छोटी सी ब्रेक, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बातों का सिलसिला जारी है, स्टे ट्यून्ड विद अस, गुड मॉर्निंग धड़क। वेलकम बैक व्यूअर्स, और आप लोग देख रहे हैं आज हमारे साथ लिविंग लेजेंड्स फादर और सन जो हैं वो हैं, और आज हम फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने सेट से, और बातों का तो सिलसिला जारी है। मगर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल ये है सर आपसे, गुलाम साहब आपसे मैं करना चाहूँगी कि फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री, थिएटर, वॉइस ऑफ अमेरिका, आपके पास बहुत सी चीज़ें जो आपने की जो आप रिलेट कर सकते हैं और अभी भी कर रहे हैं, आजकल क्या डायलेमा है जो आप देख रहे हैं? आजकल मूवीज की आप बात करें, आजकल फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा की भी और भी, रेडियो की, थिएटर की, हम कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? पहले जैसी जो परफेक्शन थी वो सारी चीजें नहीं है। जैसे पहले कंटेंट बड़ा मजबूत होता था, स्क्रिप्ट बहुत मजबूत होते थे, आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती थी। मुझे याद है, आप तो खैर पैदा भी नहीं हुए उस वक्त, वो मेरा स्कूल टाइम था, एक रेडियो का प्रोग्राम होता था हामिद मियाँ के यहाँ, और बड़ा इंटरेस्टिंग होता था वो प्रोग्राम। तो सुबह 11 बजे होता था, तो ख़वातीन टीवी नहीं आया था उस ज़माने में, तो वो टीवी शीवी छोड़ के बस रेडियो वो ज़रूर सुनना है प्रोग्राम। अच्छा। जबकि उसमें कोई ग्लैमर नहीं था, एक फैमिली थी जो आपस में बातें कर रही, तो वो चीज़ें मतलब ऑल ओवर ये है कि वो कंटेंट जो था हर जगह वीक है, फिल्म में भी, टीवी पे भी, रेडियो पे भी, एवरीवेयर। तो ये एक डैमेजिंग फैक्टर है, वैसे लोग नहीं रहे लिखने वाले, या फिर जो सबसे बड़ी जो मैं महसूस करता हूँ कि ये हमारा बजट कम है। शोबिस का बजट नहीं है, आप बजट को इनहेंस करें, आप मार्केटिंग बड़ी करें अपनी। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम मार्केटिंग ज्यादा करते हैं, खर्च कम करते हैं, अर्न ज्यादा करना चाहते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको डे बाय डे आप अपना बजट भी बढ़ाएं, अच्छे राइटर्स को आप लेके, अच्छे राइटर्स हैं उनसे मेरी बात होती है, मैं कहता हूँ आप क्यों नहीं लिखते हो, हमें देते क्या है इसे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्वालिटी इम्प्रूव करें अपनी, तब जाके हम दोबारा। फिल्म इंडस्ट्री में आजकल काम हो रहा है वो एक मिक्स, एक जगह तक मुख्तसर होकर रह गया है, हर बंदा जाता है कराची जा रहा है काम करने के लिए, बाकी शहरों से ऐसा रवैया क्यों है? देखिए जाए जरूर जाए कराची, कराची से भी लोग लाहौर आते रहे हैं, बेशुमार आर्टिस्ट आए हैं कराची से, मैं खुद भी कराची से आया हूँ। जब इंडस्ट्री यहाँ पे थी, मोहम्मद अली भाई आए, वहीद मुराद साहब आए, जावेद शेख आया, उसके बाद बहुत सारे आए, हीरोइंस आई हैं, बहुत सारे लोग आए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किसी भी एक शहर में काम का होना जो डैमेजिंग है, कंपटीशन रहना चाहिए, लाहौर में भी काम हो, कराची में भी काम हो। उससे क्या होता है कि एक दूसरे से इंसान सीखता भी है, फिर एक कंपटीशन होता है और कल्चरल इन्वेजन होती है। यस ऑफ कोर्स। और जो गोल्डन पीरियड था ना पाकिस्तान इंडस्ट्री का, वो दौर था जब मैं स्टूडेंट लाइफ, स्कूल गोइंग था, ढाका फॉर होने से पहले, 71 की वॉर से पहले, एक से एक फिल्म आती थी वहां से, वो कंपटीशन होता था, यहाँ से भी वहां से भी, तो वो एक अच्छा रिजल्ट मिलता था। अब वो कंपटीशन खत्म हो गया हमारे पास। अब जो फिल्में आ रही हैं
वो जो लोग देखते हैं वो ये कहते हैं कि समझ नहीं आया कि कहानी क्या है, फिर वही बात मैं कहूँ कॉन्टेंट वीक है बिल्कुल। और बहुत आपके पास अपने आपकी जो फिल्म आई, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी जो फिल्म आई मेरा नाम है मोहब्बत, बिल्कुल वो आप यकीन 25 साल चाइना में चली है वो फिल्म। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, 25 साल सिर्फ चाइना में ही इतनी चली। अच्छा, डब्ड हो के भी चली है, चली डब होके चली है। हाँ, गाने उसके यही थे, उर्दू में थे, लेकिन उसको चाइनीज लैंग्वेज में डब किया था उन्होंने। अली, आप को काम मिल रहा है या अभी काम आप करना चाह रहे हैं, कि आप देख रहे हैं कि स्क्रिप्टिंग पे देख रहे हैं या सर से मशवरा कर रहे हैं, या अभी आप नहीं चाहते कि आप जंप करें ऐसी किसी स्क्रिप्ट पे जो कि आगे आपके लिए बेहतर ना हो, आप क्या कहते हैं? देखें जी, मैं वही सी बात को कंटिन्यू करूंगा अब्बा की जहाँ से बात चल रही थी, कि अब कंटेंट पे हम लोगों का ना ध्यान आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है एज एन इंडस्ट्री। जी ऑब्वियसली एक रन ऑफ द मिल काम करना, वही आप यू नो सिमिलर से कैरेक्टर्स और उस चीज़ को ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लॉन्च होने के बाद, बड़ी स्क्रीन पे लॉन्च होने के बाद, इवन इफ आई कम टू टीवी, सो आई वुड वांट टू यू नो हैव अ वेरी गुड कैरेक्टर, एक अच्छी स्क्रिप्ट, एक अच्छा कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है। बिकॉज देखें, एक जिस तरह अभी हम लोग बात कर रहे थे कि यस्टरडेज के गाने, फिल्में, ड्रामे हम लोगों को आज तक याद है। आज हमें साल पुराना ना ड्रामा याद होगा, शायद गाना भी हम लोगों को उस तरह से कोई याद नहीं होगा। उसकी कहीं ना कहीं मुझे लगता है रीज़न ही यही है कि हम लोग कंटेंट के ऊपर फोकस करने के बजाय उसको ब्यूटीफाई करने के ऊपर ज़्यादा, ग्लैमर के ऊपर हम लोग ज़्यादा जा रहे हैं। आउटफिट्स क्या होंगे, मेकअप क्या होगा, और यू नो हमारा फ्रेम कैसा लग रहा होगा, रादर देन कि हमारी स्टोरी क्या है, द स्टोरी दैट वी आर टेलिंग, जो हम लोगों का ड्रामा है या मूवी है उसके अंदर हमारे कैरेक्टर्स की ना, मुझे इस तरह लगता है कि बैक स्टोरी नहीं होती काफ़ी चीज़ों पे। तो वो जस्ट बिकॉज के अच्छा जी हमने कुछ कॉमेडी करनी है, ज़रूरी होनी है, होनी चाहिए, तो हम लोगों ने वो रखी होती है। कहीं पे गाना अगर नहीं रिक्वायरमेंट है बट सो कॉल्ड आइटम सॉन्ग डालना ही डालना है, तो वो ज़बरदस्ती हम लोगों ने बीच में डाला होता है, तो वो चीज़ें ऑब्वियसली। सो अभी यू आर नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग जो कि कॉन्टेंट बेस्ड ना हो, ऐसा ही है? ऑफ कोर्स जी, देखें कंटेंट इज किंग। किसी से भी आप पूछ लें इंडस्ट्री में, एवरीबॉडी वुड से कि जी कंटेंट इज किंग। कंटेंट अच्छा हो, कैरेक्टर्स अच्छे हो, स्टोरी अच्छी हो, स्क्रिप्ट अच्छा हो, टीम अच्छी हो, तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, कौन छोड़ता है जी। आप लोगों का कोई प्रोडक्शन हाउस भी है म्यूचुअली, यू आर डूइंग सम प्रोडक्शन? यस, आई डू टीवी कमर्शियल्स, हम लोग प्रोड्यूस करते हैं टीवी कमर्शियल्स, कुछ ब्रांड्स हैं, कुछ हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिनके हम लोग काम एंडोर्समेंट्स कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अच्छा, काफी सारे हम लोग हैं, एज अ प्रोड्यूसर भी अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों करते हैं इकट्ठे? हम लोग जी एज अ यूनिट ही काम करते हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा। बहुत सारी चीजें हैं जिनका मुझे अभी उस तरह से नहीं पता होता, तो यू नो आई ऑब्वियसली गो अप टू अब्बा फॉर थोड़ी सी गाइडेंस लेने के लिए, मशवरा लेने के लिए, पॉलिश अप करने के लिए चीजों को, तो वो हमेशा एक हम लोगों की चलती रहती है। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। खालिद साहब क्या करें, क्या बात पूछना चाह रहे थे ना आपके? मैं एक्चुअली मैं वही उस फिल्म के बारे में ही पूछना चाह रहा था कि एक्चुअली इंडस्ट्री में अब जितना इन्होंने काम किया है, तो इंडस्ट्री को अब ये चाहिए उन लोगों को कि इनसे काम लें और सीखें भी। हाँ। तो ऐसा होना चाहिए, इनसे काम लेना चाहिए। अब जैसे इनके बेटे हैं, इतना अच्छे, इतने खूबसूरत हैं, स्मार्ट भी हैं। पाकिस्तान में एकेडमीज का रिवाज नहीं है एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोना टेल यू नाउ, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी बस वही है कि मैं बताऊँ कि फ़न और फ़नकार की वो कदर नहीं है जो हमारे दूसरे मुल्कों में है, वो नहीं है यहाँ पे, और इनको पता ही नहीं है कि काम कैसे लेना है। भाई, एक आपके पास एक फ़नकार आया है, आप उससे काम लें कि काम किस तरीके से उन्होंने लेना है। ये तो डायरेक्टर को यूँ होता है कि उसने काम किस तरीके से लेना है। अब ये हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम यही है, हमारे मसले प्रॉब्लम यही है। अब ये देखें, मुझे 20 साल से आज तक कोई गाना चला पाकिस्तान का? कोई नहीं चला। भाई बनती है फिल्म, आती है, लगती है और ख़त्म हो जाती है। अब इनकी फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत या और बहुत सारी फिल्में मैंने देखी हैं, तो क्यों आज तक वो याद क्यों हैं, वो गाने क्यों याद हैं, उसके लिरिक्स याद, कॉन्टेंट उसका मजबूत होता था। अभी जो आपने गाना गाया था मेरा नाम है मोहब्बत का, आज भी उसी तरह ये फ्रेश है, हर जगह चलता है उसी तरह। ये दूसरा था सोसाइटी का, और वही अपना वही याद ताज़ा हो जाती है। शायरी इतनी अच्छी, उसके बाद उसकी तर्ज इतनी अच्छी बनाई गई, फिर अच्छे लोगों से गवाया गया, और इतना चला वो, इतना 25 साल चला वो अपना, 25 साल चलता रहा एक। वो मैं वही सोचता हूँ कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो 25 साल चली हो। मुगल आज़म थी इंडिया की, लेकिन वो भी इतनी देर नहीं चली, नहीं चली। जितने ये फिल्म जो है वो
इतना चलिए वहाँ पे। और मैं तो हैरान, जब मैं गया तो मैंने स्टैचू देखो, मैं हैरान हो गया। और मैं फिर आगे बताया, मैंने कहा गुलू भाई आपका तो वहाँ पे ये लगा हुआ स्टैचू लगा हुआ, लोगों ने भी आपको बताया होगा। ये जो फिल्म है मेरा नाम मोहब्बत है, किस ईयर में बनी थी ये मुझे याद है कि बाबरा शरीफ साहब आपके साथ थी इस फिल्म में, ऐसा ही है? इसकी स्टोरी क्या थी, स्टोरी लाइन के बारे में बताएं, और चाइना में क्यों की, ये चाइना से रिलेटेड थी कोई मूवी? रिलेटेड इन द सेंस के शबाब साहब ने उस फिल्म को गिफ्ट किया था उन्हें। अच्छा। शबाब साहब कहीं गए थे, इंग्लैंड वगैरह गए थे, तो वहाँ कुछ चाइनीज लोग मिल गए जो फिल्म से रिलेटेड थे, वो उनको पता लगा शबाब साहब बहुत बड़े डायरेक्टर राइटर प्रोड्यूसर स्टूडियो ओनर, तो वहाँ उनका आपस में कुछ गपशप हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक फिल्म भेजूँगा। अच्छा। उन्होंने कहा मैं आपको गिफ्ट करूँगा। ठीक है। वो फिल्म रिलीज़ की तो वो तो क्रेज़ बन गई फिल्म, वो कोई 14-15 साल कंसेक्यूटिव वो। अच्छा, उसमें थोड़ा चाइनीज कल्चर भी दिखाया हुआ था? हाँ, चाइनीज कल्चर दिखाया हुआ था। या शूट हुई थी वहाँ चाइना में? नहीं, शूट वगैरह तो नहीं हुई। शूट नहीं हुई? नहीं, शूट तो पूरी पाकिस्तान में हुई, लाहौर में हुई है, मरी में हुई है, इस्लामाबाद में हुई है, इस तरह करके। लेकिन वो पसंद आई उनको फिल्म, म्यूजिक उनको पसंद आया, तो बहरहाल बहुत चली और बड़े लविंग है वो लोग मेरे। उन्होंने स्टैचूज वगैरह भी लगाए हुए हैं वहाँ पे, और मैं एक दफ़ा गया था, बहुत आउटस्टैंडिंग उन्होंने मुझे प्रोटोकॉल दिया, रिस्पॉन्स दिया पूरा प्रोटोकॉल, यानी मुझे उन्होंने उड़ुमची जो जिंगचांग प्रोविंस है वो मेरे साथ के जो आर्टिस्ट हैं सिंगर्स वो बताएंगे, मैं बोलूँगा कहेंगे यार ये झूठ बोला है, लंबी लंबी छोड़ रहा है ये असन जहांगीर और वो जितने सलीम जावेद वगैरह। मुझे होटल के उस प्रेसिडेंशियल सुइट में ठहराया था जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट क्लिंटन को ठहराया। अच्छा, वेरी नाइस। और 24 घंटे चार गार्ड्स मेरे। प्यार है आपसे, ये मोहब्बत है, रिस्पेक्ट है वो। अभी बहुत अच्छी बात की बेग साहब ने कि रिस्पेक्ट है बाहर के मुल्कों में आर्टिस्ट, हमारे पास रिस्पेक्ट उस वक्त है जब तक वो लाइमलाइट में है। बिल्कुल। अगर मैं आज काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, अली काम कर रहा है, बेग साहब है, आप हैं, आप कर रहे हैं काम, आप डिमांड में, तो आपकी बड़ी रिस्पेक्ट होगी। आपने रिटायरमेंट ले ली या आपको साइडलाइन कर दिया या कोई और फैक्टर आ गया, आपके अपने लोग ही आपसे उस तरीके से नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, मगर फिर भी ये हमारा बहुत बड़ा ड्रॉप है। हमारे फनकार हमारे लेजेंड्स हैं और हम तो चाहते हैं कि हम हर जगह उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उन्होंने ही पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जिधर भी जाते हैं उनकी वजह से ही पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। आज हम फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, गुलाम मुईद्दीन साहब, अली मुईद्दीन साहब, बेग साहब हमारे साथ हैं। व्यूअर्स, छोटी सी लेनी है ब्रेक, आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धड़क। वेलकम बैक व्यूअर्स, और आज मैं वैसे ही बहुत इंजॉय कर रही हूँ। फादर्स डे है आज, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं अपने फादर को एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। अबू, मैं आपसे बाकी बहुत प्यार करती हूँ और मैं आज जहाँ हूँ वो आपकी वजह से हूँ। ऑल दो मैं उनसे कल मिल नहीं पाई क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, मगर आज मिलूँगी अबू से। तो सर, आपसे और अली से बातचीत का सिलसिला जारी है। सर अली, कुछ पिक्चर्स देखे आपकी मूवी की? जी श्योर। आपकी एक बड़ी अच्छी मूवी आई थी और उसने कहते हैं ना बॉक्स ऑफिस पे अच्छा काम किया, क्योंकि वो सारे शोज जो थे वो पैक्ड थे। और ये देख सकते हैं हमने पिक्चर चला दी हैं। तो अली, बड़े आप गैंगस्टर लुक में आए हुए हैं और बड़ा डिफरेंट सा आपने एक वो कहते हैं ना भेस ढाला हुआ है। वैसे भी गैंगस्टर है। अच्छा, वैसे भी गैंगस्टर है। तो कैसा काम करके, क्या कुछ चीज़ें थी जो डिफरेंट लगी और अब्बू से क्या सीखा? वेल, मैं थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में लेके चलता हूँ। अब्बू से क्या सीखा? सब कुछ। जो कुछ भी सीखा इधर से सीखा। इज ऑलवेज बिन लाइक एन इंस्टीट्यूट। और मेरा ये मानना है अगर हम अपने बड़ों से ही नहीं कुछ सीख सकते तो हम कहीं से भी कुछ नहीं सीख सकते। कमिंग बैक टू द मूवी, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि उस वक्त हमारे सिनेमा में शायद मिसिंग थी। एक्शन बहुत मिसिंग लगता था, उसके ऊपर बहुत फोकस था हम लोगों का। ग्राफिक्स के ऊपर काफ़ी फोकस रहा था और बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा था। यू नो, टू बी वर्किंग विद सीनियर्स लाइक माय फादर गुलाम मुईद्दीन साहब, जावेद शेख साहब, शमून अब्बासी साहब, नई रजा साहब, बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सबसे सीखने को बड़ा मिला। बड़ी मजबूत कास्ट थी, बहुत 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 स्ट्रांग कास्ट। पूरी फिल्म बैंकॉक में शूट हुई, क्रू वहाँ से लिया था, म्यूजिक इंडिया से लिया था।
बिग प्रोडक्शन शायद भाई हमारे प्रोड्यूसर थे शायद कुरैशी सर, इसके ऊपर छोटी सी कंट्रोवर्सी भी आई थी कि इसने बॉक्स ऑफिस पे वो वाला काम नहीं किया जो कि करना चाहिए था, और ये काफी चीजें हमने भी पढ़ी इसके बारे में, तो क्या वजह थी इस चीजों की? मैं बताऊं? ये बताएं आप दोनों, बताएं मिल के बताएं, आप बताएं पहले। बात वही आ गई थी कि उसमें इंडिविजुअल जो सीक्वेंसेस थे ना, दैट वाज आउटस्टैंडिंग, बट ऑल ओवर कंटेंट वीक हो गया था उसका भी। उसका क्लाइमेक्स बड़ा वीक था, लेकिन इसके बावजूद भी उसको लोगों ने देखा, अच्छा रिस्पांस मिला। दूसरी जो ज्यादती हुई है वो ये हुई है कि उस दौर में इंडियन मूवी लगती थी, सुल्तान थी फिल्म, सुल्तान फिल्म थी कोई सलमान खान, वो रिलीज हुई, हमारी फिल्म को एक शो, उनकी फिल्म को चार शो। लेकिन फिर भी एक शो भी मिलता था वो भी पैक होता, बिल्कुल पैक था। कुछ खामियां रह गई थी, और मैंने रिलीज से पहले अपने डायरेक्टर को कहा था, जमशेद जान मोहम्मद को, वो जान मोहम्मद साहब हमारे डायरेक्टर, बहुत बड़े डायरेक्टर, उनका बेटा, मैंने कहा ये वीक है इसको ठीक कर लो। नहीं नहीं नहीं, आजकल ये चल रहा है। मैंने कहा आजकल के चक्कर में ना, जो आजकल सब गलत चल रहा है, इसको ठीक करो, अभी सही नहीं है। जब रिलीज हो गई फिल्म, उससे थोड़ा नुकसान तो हुआ है, फिर वो माना कि नहीं आप सही कह रहे थे। हाँ ठीक है। तो अली, अब पिक्चर्स चल रही हैं आपकी, और हमने बड़ा आपको ये देखे ना, आहा हा हा, एक तरफ गैंगस्टर, एक तरफ बड़ा रोमांटिक हीरो। जी वो गैंगस्टर ही क्या जो रोमांटिक ना हो, वो तो जरूरी है। और आप भी गैंगस्टर रोमांटिक ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, रोमांस आई गेस वो बहुत जरूरी है लाइफ में उसका होना, और वो शुड बी विद एवरीथिंग हमारा, जिस तरह पर बेग साहब इस चीज से एग्री करेंगे, म्यूजिक से रोमांस होना बहुत जरूरी है, अपने काम से रोमांस होना बहुत जरूरी है। हीरोइन कौन थी, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी इनका नाम एनी है, इनकी फर्स्ट मूवी थी ये मेरे साथ, इसके बाद शी इज डन अदर स्टफ एज वेल, एक दो मूवीज और की इन्होंने, मॉडलिंग शॉडलिंग भी ये करती रहती हैं, तो इनके साथ भी बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा काम करने का, और एक बड़ी अच्छी हम लोग की ऑन सेट एक दोस्ती हो गई, और यू नो सारा तो बड़ा अच्छा रहा एक सिलसिला सारा। बट ये है कि एक अब जो फिल्म की एक बात निकली है, तो आई वुड लाइक टू ऐड कि हम लोगों का एक सीक्वेंस था जो हम लोगों ने टाइगर टेंपल में शूट किया था इन थाईलैंड। अच्छा। तो उसमें अब्बा का कैरेक्टर, बिकॉज ही वाज द बिग गैंगस्टर इन द मूवी, तो उसमें इनका कुछ कैरेक्टर इस तरह का था कि मैं और जावेद शेख साहब हम लोग जाते हैं उस सीक्वेंस में इनके अड्डे पे शो कर, तो वहाँ पे ना ही हैड लाइक टाइगर्स और वो सारे गार्ड्स। अच्छा। और सारा, तो अब हम लोगों ने अपना सारा सीक्वेंस कर लिया, और वो बाय द वे मेरा फर्स्ट डे था शूटिंग अब्बा के साथ और जावेद शेख साहब के साथ। अच्छा। और इन दोनों हैवी वेट्स के साथ, यू नो दे वर टाइगर्स अराउंड, इधर से जा रहा है इस तरह से फिर रहा, तो सीक्वेंस सारा हो गया, यू नो सांस फूली हुई, सूखी हुई एक सांस के, यार पता नहीं क्या हो रहा है और किस तरह से चीजें दिखने में कैसा। टाइगर्स जो थे वो क्या, उनको क्या सेडेट किया होता था? वो सारे होते वैसे हल्के से ड्रग दे, ऑब्वियसली वो थोड़ा बहुत था, लेकिन टाइगर तो टाइगर ही, टाइगर टाइगर होता है। और कुछ वो सीक्वेंस भी इस तरह था कि अब्बा भी मेरे साथ, जो हम लोगों का जो आपस में डायलॉग था, वो हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा कहले धमकी दे रहे होते हैं, फिर उन्होंने एक वो टकरार होती है, तो अब उस टकरार में इधर से अब्बा की आवाज़ माशाल्लाह, फिर पीछे से किसी टाइगर की एक आवाज़ आती थी, तो एक वो बड़ा एक ना इंटिमिडेटिंग सा एक वो हो जाता था। तो जब हम लोगों का वो सीक्वेंस रैप अप हम लोगों ने किया, हम लोग जब वापसी अपने होटल की तरफ जा रहे, तो जो हमारे डायरेक्टर थे जमशेद जान मोहम्मद साहब, उन्होंने मेरे से पूछा अली बाबा कैसा एक्सपीरियंस रहा शेरों के साथ शूट करने का? तो मैंने कहा जमशेद भाई कौन से वाले शेर, जो सीडेटेड थे वो या जो हमारे सीनियर हमारे साथ? हाँ, शेर। वो किसके साथ, मतलब आप पूछ रहे थे ना, वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि वहाँ पे उस वक्त फ्रॉम एक्शन टू कट मुझे ना शेर नज़र आते थे, मुझे सिर्फ जो इनका कैरेक्टर था रिंगो और शेख साहब का जो कैरेक्टर था टाइगर, मुझे सिर्फ एक वो अल्टरकेशन हम लोगों की जो चल रही होती थी उसी के ऊपर मेन फोकस होता था। तो बड़ा एक वो एक डिफरेंट सा एक एक्सपीरियंस था, और वो उसको आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स, कि एक चीज जिसको यू नो मैं बचपन से एक देखता आया हूं, यू नो कुछ अब्बू के साथ हमेशा सेट पे जाना मूवी, क्या वो आपके जो लेजेंड्स होते हैं ना, आप वैसे भी उनके सामने जब जा रहे होते हैं तो आप ऐसे आप थोड़ा सा शिवर कर जाते हो कि पता नहीं मैं कैसे उनके आगे परफॉर्म कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं रिजाज साहब आप हो सर, उसके बाद शमूल बासी साहब, जावेद शेख साहब, इन लोगों को ऑल दीस पीपल हमारे लेजेंड्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, आई हैव सीन देम व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, उनके अराउंड में पला बड़ा हूँ, घर पे कभी आए हुए, कभी हम लोग उनके घर गए हुए सोशल गैदरिंग्स पे, तो उन्हीं लोगों के साथ काम करना और यू नो टू बी डूइंग द सेम थिंग जो
मेरे फादर ने किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उससे इतनी इज्जत और सारा कुछ किया, तो वही चीज़ को आगे करना और उन्हीं के साथ अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट में काम करना, तो वो मुझे लगता है कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था और द फर्स्ट ऑफ मेनी मोर टू कम. इंशाल्लाह यू विल बी टेकिंग द लेगेसी अक्रॉस एंड बेस्ट ऑफ लक. और आज फादर्स डे, वैसे ही तो कोई मैसेज दें अपने अब्बू के लिए. जी आज क्या फादर्स डे तो रोज ही होता है जी, एक दिन नहीं हम लोग कर सकते ना मदर्स के लिए ना फादर्स के लिए. स्विच अम्मी से करीब है अब्बू से, दोनों से नहीं. कोई एक होता है ना कि मैं अम्मी के करीब हूँ, होता है ना, ये तो नॉर्मल सी बात होती है. हमेशा लड़के मदर्स के करीब होते हैं. उधर ही उधर ही उधर ही उधर ही उसे पासे फटा फटा होता है, उधर हो जाते हैं सारे, उधर हो जाते हैं. ये होता है एक एक नेचुरल है भाई, एक नेचुरल चीज है. नहीं मैं आपको बताऊं, ये चीज मैंने नोटिस की है लाइक अपनी फैमिली में, लाइक हम बहन भाइयों में भी, उसके अलावा भी जब से मेरे अपने लाइक बच्चे हैं, I've got a daughter, I've got a son, माशाल्लाह. तो अब मैं अभी से देख रहा होता हूँ तो वो चीज मुझे अभी भी कहीं ना कहीं से फील हो रही है. चेंज हो जाती है वो, एक शायद होता है कहीं ना कहीं. मैंने लव मैरिज की थी जी, सच बता दें. अच्छा अम्माएं भी बड़ी तेज होती है, वो बच्चों को अपनी तरफ ही रखती है. बच्चा बाप की तरह, अब्बा डांटेगा तुम्हें मत जाना, मैं ये बता दूंगी तुमने, बच्चा डर के फिर माँ के पास, वो ज्यादा अट्रैक्शन हो जाए. जी काइंड ऑफ लव मैरिज भी कह सकते हैं, अरेंज मैरिज भी कह सकते हैं. हम लोगों की सलाम दो हुई, मुलाकात हुई. अच्छा, एंड इंडस्ट्री से? नहीं 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 नहीं, शी इज अ लॉयर बाय प्रोफेशन. अच्छा भाई, नाइस. और फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं. अम्मा तो है ना, अम्मा ने थोड़े सा एक ड्रामा इंडस्ट्री से तो अम्मा ताल्लुक रखती है. और जमाने का जो ड्रामा था वो तो आज भी याद करते हैं, सीरियल में लोग आज भी याद करते हैं. वो तो एक मेगा हिट सीरियल था. हां बिल्कुल क्लासिक. तो उसके बाद अम्मा आई नहीं ड्रामे में? नहीं किया नहीं उन्होंने ड्रामा ही नहीं किया. ठीक है, उन्होंने कहा बस ठीक है, छोड़ दिया छोड़ दिया. नहीं किया, नहीं. बड़ी बात होती है पता है, प्रोफेशन छोड़ना भी बड़ी एक वो एक जिम्मेदारी है. बहुत बड़ी, बहुत बड़ी. अक्सर लोग कहते हैं कि भाई वो कुछ ना कुछ आपके अंदर रह जाता है, अगर मैं करती तो मैं यहाँ होती, अगर मैं करती तो मैं यहाँ होती. मैं सच्ची बताऊँ आपको है ना, एक लेवल पे आके प्रोफेशन को छोड़ना वो सबसे बड़ी बात है. उनका ड्रामा बहुत हिट था वो, खुदा की बस्ती बिल्कुल बिल्कुल. बहुत कहना चाह रही थी खुदा की बस्ती. किचन में देखते हैं हमारा जो शक्शुका जी, हमारा शक्शुका जो है वो बन गया है. और शक्शुका ने क्या शक डाले हैं अब देखें. बस ये एग्स जो है स्टीम हो रहे हैं और जैसे ये होंगे ये तैयार हो जाएगा. यहाँ फॉर्म ऑफ एग बेनेडिक्ट, नो एग्स बेनेडिक्ट इज समथिंग एल्स. इट्स एग सर्व्ड विद अ हॉलैंडेज सॉस एंड ऑन अ पीस ऑफ ब्रेड. और ये क्या बना रहे हैं? ये चिकन शावरमा रैप्स मैं बना रहा हूँ, एक साइड पे ये ग्रिल कर रहा हूँ मैं. और क्विक बता दें आपने, हमने जो बताया था आप इसको सौते कर रहे थे, उसके बाद आपने क्या किया? इसको मैंने सारी इसकी वेजिटेबल्स जो है वो सौते की हैं, अनियंस, गार्लिक, बेल पेपर्स और टमाटर मैंने डाले उनको करके. मैंने फिर जब ये पक गया था, जब इसका पानी खत्म हो गया था, फिर मैंने इसके अंदर जो है अंडे क्रैक कर दिए और मैंने आग नीचे बंद कर दी है, क्योंकि ये जो पैन है ये कास्ट आयरन का बना हुआ है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट जो है वो पैन है ना? ये कास्ट आयरन का पैन है और इसके ऊपर जो है वो सिरेमिक की कोटिंग हुई हुई है, तो ये नॉन स्टिक है. ठीक है, आप रैप्स भी तैयार करें, शक्शुका को डिश आउट करें. व्यूअर्स, हम आपको कंप्लीट रेसिपी अभी झटपट बताएंगे, ब्रेक में जाना है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे. स्टे ट्यून्ड विद अस, गुड मॉर्निंग धनक. तो हमारी जो डिश है उसकी लास्ट मोमेंट गार्निशिंग जो है वो हो रही है. शक्शुका जो है इज रेडी टू सर्व और मैं सर्व करती हूँ अपनी सारे गेस्ट को. और इसके साथ है चिकन रैप्स. यस, और इसकी भी रेसिपी जल्दी से बताओ. ये चिकन रैप्स मैंने बनाए हैं, ये इसके अंदर जो है मैंने चिकन थाइज इस्तेमाल किए हैं क्योंकि मैं उन्हीं को प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो सबसे टेंडर और जूसी होते हैं. उसको मैंने थोड़ी सी योगर्ट, लेमन जूस, मिंट और सिनेमन में मैंने उसको मैरिनेट किया और थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट
एंड रेड चिली फ्लेक्स, बस उसको मैंने आधे घंटे के लिए मैरिनेट किया है और फिर मैंने इसको ग्रिल करके, तो दे आर गुड टू सर्व। यस प्लीज सर्व, ऑफ कोर्स गेस्ट को आप सर्व करें ताकि हम लाइव खिलाते हैं। और ये हमारा ट्रेडिशन है, हम अपने शिफ्ट शो पे बुलाते हैं सर, तो हम लाइव खिलाते हैं, तो आप प्लेट सर्व करें और ये इसमें ऐड ऑन करते जाएं और सर खा के बताएंगे आज हमको कैसा लगा। आई होप आप डाइट पे नहीं है आज। नहीं नहीं, मैं डाइट करता भी नहीं सर। आप ले थैंक यू। ये तो वैसे रैप का मजा ऐसे ही होता है कि बंदा ऐसे ही चलते फिरते बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद हम आपको दूसरी डिश भी खिलाएंगे, पहले आप ये खाएं और इन्जॉय करें शक्शुका। तो व्यूअर्स, हमारी जो डिशेज हैं वो आप लोग देख रहे हैं ज़रूर, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है अपने किचन में और आपको हम ऐसी डिशेज खिलाना चाह रहे हैं जो कि आप नॉर्मली रेस्टोरेंट्स में खाते हो और आपको अंदाज़ा नहीं होता कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या क्या है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छे बने, अच्छे बने, मज़ेदार है, टेस्ट गुड, गुड गुड, अ जॉब डन वेल, ओके मुस्तफा यू डिड इट, थैंक यू एंड आई एम ग्लैड यू लाइक इट। तो इसके साथ साथ जो है फादर्स डे हम सेलिब्रेट आज कर रहे हैं, क्योंकि फादर्स डे हम नहीं कर सके, कल हमारा प्रोग्राम नहीं था, तो हमने सोचा क्यों ना आज हम फादर्स डे सेलिब्रेट करें। और आज हम एक एक प्यारा प्यारा मैसेज फादर टू सन, सन टू फादर और लेंगे, क्योंकि मैसेज बहुत ज़रूरी है, वो ज़िंदगी का एक ऐसा यादगार मैसेज होता है कि हमें बाद में याद आता है कि हमारे फादर ने या हमारे बेटे ने हमें ये बात कही थी जो कि हमारे जहन में हमेशा से रहती है। तो अली सीनियर से, अच्छा सर क्या आप देना चाहेंगे अली के लिए? थैंक यू। कोई ऐसी मैसेज देना चाहेंगे अली, अली के लिए फादर्स डे के मौके पर? मैसेज तो खैर क्या, बस मैं ये कहूँगा कि जितने भी फादर्स हैं वो अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनके साथ फ्रेंडली रहें। एक चीज़ जो मैंने अपने मुल्क में देखी है वो ये है कि बच्चे हमेशा बाप से डरे हुए रहते हैं, बाप के नज़दीक नहीं जाते हैं। जी बिल्कुल। हालांकि बाप जो है वो बड़ा लविंग होता है बच्चों के साथ, करने प्रैक्टिकली तो वही करता है ना, उनकी एजुकेशन ये वो, ज़ाहिर वो काम पर जाता आता है वापस आता है, बच्चों के लिए करता है। तो एक तो इस चीज़ को ख़त्म करें, बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें और बच्चों को गाइड भी करते हैं साथ साथ। वो जो स्कूल है जहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, दैट इज़ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, बट जो घर की जो एक आपकी टीचिंग है, एक ब्लेसिंग होती है, वो एक अलग चीज़ होती है। वो ये करें फिर आप अपने बच्चों के साथ हैं, बच्चे आपके साथ हैं। वाह अली, आप क्या कहेंगे उसको, हम एक साथ पे आएंगे? वेल मैसेज बस यही एक देंगे कि जी अपने बच्चों का हर तरीके से ख्याल रखना चाहिए हमें, और जिस तरह अब्बा ने जो बात की मैं उसी को ही आगे कैरी फॉरवर्ड करूँगा कि एक चीज़ का हमारे मुल्क में जो मुझे फ़ील होता है कि अब शायद लैक ऑफ एजुकेशन इसको हम कहेंगे, वो है मेंटल हेल्थ। मैं ये ज़रूर सारों से रिक्वेस्ट करूँगा एज पेरेंट्स अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर, मुझे लगता है कि हम सबको काम करना चाहिए ताकि जो बच्चे हम लोग जिनकी परवरिश कर रहे हैं, जिनकी हम लोग तरबियत कर रहे हैं, कल को वो अच्छे इंसान साबित हों इस माशरे में और आगे आने वाली जो नस्ल है उसको वो अच्छे से पैम्पर करके और एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर वो पले बढ़े। तो ये मेरा एक मैसेज होगा जी, बीइंग अ पेरेंट माय सेल्फ, बीइंग अ सन माय सेल्फ, तो ये मेरा मैसेज एक होगा सारों के लिए। और टॉलरेंस भी होनी चाहिए पेरेंट्स को, बच्चों में, बच्चों को पेरेंट्स के अंदर, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। शक्शुका आपको सर्व करें, खाएंगे दूसरी डिश आप, खिलाएं आप लोगों को, ठीक है? अभी नहीं, ब्रेक उसके बाद, चलिए ब्रेक के बाद खाते हैं आराम से। ब्रेक जिस तरह मैं, ये छोटा सा पैगाम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कि जिस तरह माँ एक यूनिवर्सिटी होती है बच्चे के लिए, इसी तरह बाप जो है वो पूरा एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है वो, क्योंकि जब तक बाप का साया नहीं होगा तो उस वक्त तक बच्चा जो है ना वो सही परवान नहीं चढ़ सकता। तो इसलिए मेरी गुजारिश सब लोगों से यही है कि जब आपने, आप माँ की इज्जत करते हैं ना, तो उससे बढ़ के अपने बाप की भी कीजिए, ताकि वो अगर सही प्रमाण चढ़ना है या सही किसी जगह मकाम पर जाना है तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अपने बाप को भी उस मकाम पर लेके आए और उनकी इज्जत भी वैसे ही करें जैसे आप माँ की करते हैं, बल्कि उससे भी बढ़ के करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, आपकी कोई ऐसी फरमाइश जो बेगसा पूरी कर सके गाने की? यस है, ये गाना जो बहुत पसंद है, बताएं, आप बताएं, हम चाहते हैं कि बेग साहब गाएं। डेफिनेटली बेग साहब ने गाया भी होगा, पता भी होगा, वो है जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, मेहदी हसन साहब और मेहले मोहम्मद अली भाई भी पीछे रह गए ना, इनके तो दोस्त भी हैं। हां बिल्कुल बिल्कुल पता है। और मुझे याद है कि ये गाना जेबा भाभी जी ने
आगा जी गुल के घर में थे और ये गाना स्पेशली उन्होंने सुना और रो पड़ी थी। अच्छा जी हाँ, गाना है ये और वो 7 घंटे उन्होंने मुझे उस प्रोग्राम मुझे सुना उन्होंने। माशाल्लाह माशाल्लाह 7 घंटे माशाल्लाह। देख साहब आप बस बताएं हमें, गा के सुनाएं। चलिए जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा तो तुमको एक शख्स याद आएगा। जब सुकून न पाए